सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज एंड दिस इज़ डे टू इन जयपुर। डे वन तो हमने पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया है, डे टू पे हम कहीं बाहर चलेंगे। उससे पहले पेट पूजा मैं करने जा रही हूँ, ब्रश तक नहीं करा है सुबह उठ के, इतनी तेज़ भूख लगने लगी, सीधा कॉल करा मैंने और मंगाया है ब्रेड टोस्ट साथ में दूध। दूध में अच्छा हुआ यार उसने चीनी अलग से दी है, क्योंकि मैं चीनी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ दूध में। बिना ब्रश करे खाते हैं अपना ब्रेड दूध। गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने बाल स्ट्रेट कर लिए अपने सारे के सारे। कल उसमें पूल में नहाने के बाद क्लोरीन वाटर में इतने ज़्यादा रफ हो गए थे बाल, अभी स्ट्रेट करने के बाद थोड़े अच्छे लग रहे हैं। और नीचे मैंने पहनी है ग्रीन कलर की ड्रेस, ये वाली ड्रेस है जो मैंने पहनी है, अच्छी लग रही है आई नो, और मैं भी अच्छी लग रही हूँ। यस मैं अपनी तारीफ खुद ही कर देती हूँ क्योंकि कोई करता नहीं है मेरी तारीफ इसलिए। सो गाइज अब मैं अपना थोड़ा मेकअप करने जा रही हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से अपने पूरे एक फ़ोन की सेटिंग बनाई है कि कैसे थोड़ा कैमरा ऊपर आए और रोशनी कौन से एंगल से अच्छी आए, क्योंकि यहाँ खिड़की है तो बहुत अच्छी रोशनी आ रही है, तो मैं यहीं पे बनाऊँगी। तो मैं आपको तैयार होने के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस प्लेन इतना बास से जा रहा था यहाँ, मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो क्लिप उठा लूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड दैट्स माई आउटफिट। मैंने इसके साथ एक चेन भी पहनी है पर्ल्स वाली जो कि फेक है, एंड ये मेरा पूरा आउटफिट है। नीचे मैंने शूज़ पहने हैं क्योंकि जूते रखने की गाड़ी में जगह नहीं थी इतनी धूप में। अब हम फोर्ट तो बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी घूमने की यहाँ पे क्या क्या है। फोर्ट वगैरह अभी तो नहीं जा पाएंगे जिस हिसाब से धूप हो रही है। फिलहाल हम कुछ खाने पीने जाएंगे, सबको भूख लग रही है, किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं करा। सनसेट के टाइम पे फोर्ट जा सकते हैं, कुछ इंडोर प्लेसेस जाएंगे। होटल चेकआउट कर रहे हैं अब, वहाँ जाना है हमें पत्रिका गेट में। गाइस इतनी धूप में हम अभी कहीं घूमने का प्लान नहीं बना सकते लाइक फोर्ट वगैरह, इस वजह से हम पत्रिका गेट आए हैं। ये इंडोर है और मुझे लगता नहीं यार ये ज़्यादा इंडोर है, दूर से तो लग रहा था और वीडियोस में, मगर चलो देखते हैं कैसा है। सो गाइस ये है पत्रिका गेट, ज़्यादा है नहीं, ओपन है बस, पूरा ओपन है, फोटो खिंचवाओ और चलो क्योंकि बहुत धूप है, यहाँ पर कुछ कर सकते हैं हम। सो लेट्स गो। सो गाइस पत्रिका गेट हम घूम लिए, यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है, मुझे लगा था कुछ इंडोर टाइप है मगर बस यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है, यहाँ पे जाओ फोटो खिंचाओ और वापस आ जाओ, इतना कुछ भी खास नहीं है। और अब मुझे बहुत धूप लग रही है, मैं तो जा रही हूँ गाड़ी में जाके आराम से बैठूँगी, मैं इतना काम शाम करके आई हूँ मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी वसूल ही नहीं हो रहा पैसा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो गाइस इसके बाद हम यहाँ पे कोई फेमस सा मॉल था बड़ा सा, हमने गूगल मैप्स पे देखी थी घूमने की जगह, तो ये दिखाया था मस्ट विजिट WYT करके या फिर WTY कुछ ऐसे ही, तो इसमें गए मगर कुछ खास लगा नहीं, तो हम जल्दी आ गए वहाँ से। तो गाइज इसके बाद आ गए थे हम जल महल में। जल महल थोड़ा सा दूर था, एक दो घंटे का रास्ता था, और हमने जाके देखा तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया क्योंकि यहाँ पर कुछ था ही नहीं। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस आप आ सकते हो फोटो खिंचा सकते हो, और इस साइड मार्केट है, इस साइड थोड़ा सा यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है काफ़ी लोगों का, मतलब वो जो लहंगा वहंगा बना के उस साइड दिखा दें, उस साइड वो घाघरा चोली टाइप बना के यही फोटो शूट चल रहा है। बाकी बोट से हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, मुझे लगा था कि बोट से जा सकते होंगे अंदर मगर नहीं जा सकते। हो गया तो हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट, अजमेर फोर्ट कोई भी नहीं है, आमेर फोर्ट जा रहे हैं। तो वैसे तो ये बहुत सीधा जानवर है मगर ये मेरे मतलब इसकी लात के बराबर मैं हूँ, ये देखो ये इसकी लात है और ये मेरी हाइट है, मुझको एक लात मारेगा पता नहीं कहाँ जाऊँगी। देखो सीढ़ियों से चढ़ के बैठने का है इस पर। देखिए मैडम सबसे पहले तो आप लोगों का मेरा नमस्कार है, आपको भी वेलकम है इस आमेर गांव के अंदर में। ये आमेर गांव देख रहे हो आप लोग, ये गांव है सर 1000 साल पुराना। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चला करता था मीनाओं का शासन। मीना सर एक जाति होती है, एक कास्ट होती है, यहाँ की राजस्थान की लोकल जाति। तो देखिए सर उनके राजा तेम्बिसी सिंह और माता का नाम तंबावती, इन दोनों नाम को मिला के किले का नाम इंग्लिश सम्मनी खाड़ा, गाँव का नाम हिंदी आमेर निखाड़ा। 1036 तक यहाँ पे चला था मीनाओं का शासन, उसके बाद में चला था यहाँ पे राजपूतों का शासन। राजपूत थे सर ग्वालियर से, थे एमपी से, भगवान श्री राम थे, उनके दो बेटे थे लव और कुश, उसके वंश थे यहाँ के राजपूत राजा। यहाँ के राजपूत राजाओं को कछुआ वंश के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले राजधानी इन राजपूतों की थी दौसा, सेकेंड रामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर। तीन राज्य तो इन्होंने जीता और चौथी राजधानी जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है वो उन्होंने खुद बनाया।
अच्छा, इधर में आप टेम्पल देख रहे हो, इधर में आप बाउडी देख रहे हो, ये दोनों बनाई गई थी मिर्जा राजा जय सिंह के शासनकाल में। उनके कभी हुआ करते थे बिहारी जी, उसी के नाम पे उस मंदिर का नाम पड़ा बिहारी टेम्पल। राजस्थान में मैडम कुएं, तालाब, बावड़ी इस कारण बनवाते थे कि राजस्थान में कुछ जिलों में बारिश कम हुआ करती थी तो पानी को स्टोर करने के लिए। अगर आप लोगों को मालूम होगा दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी भी आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगी। कौन सी? चांद बावड़ी। यहाँ पे है? मतलब यहाँ से दूर है 80 किलोमीटर दूर। अच्छा, मुझे लगा कि अभी दिखाते हुए जाओगे। बट राजस्थान में सबसे सुंदर बावड़ी, सबसे बड़ी बावड़ी आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, इसका पानी ऐसे स्टिल रहता है हमेशा साफ? नहीं नहीं मैडम, कि कभी कुछ सफाई वैसे वैसे पानी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। अच्छा, अगर आप एक महीने पहले आके तो देखते तो लेवल, अच्छा। देखिए कुएं, तालाब, बावड़ी का बनवाते थे तो कुएं तो पानी पीने के लिए मिला करते थे, जो बड़े बड़े तालाब होते थे उन दोनों को भरने के लिए मिला करते थे, क्योंकि बारिश की बूंदों से पानी नहीं भरता, नीचे जमीन से पानी भरता है और ये आती थी नहाने के उसमें। तो देखिए यहाँ पे लेडीज भी नहाया करती थी और यहाँ पे जेंट्स भी नहाया करते थे। जितने यहाँ पे लेडीज नहाया करती थी, जो छतरा देख रहे हो चारों तरफ में, यहाँ पे रहती लेडीज से नहीं, और जब यहाँ पे जेंट्स नहाते थे तो यहाँ पे रहते थे मेन से नहीं। इधर में दो रूम से, नीचे में जेंट्स वाले चेंज रूम है और ऊपर में लेडीज वाले चेंज रूम है और पीछे मसाज रूम है। मसाज रूम ये? अच्छा, फिल्म देखेंगे आपने दबंग 3 सलमान खान की? हाँ, वो यहीं पे बनेंगे। मछली भी है, कछुआ भी है इसके अंदर में। ये वैसे ऐसे पानी में तो मर जाते हैं लगभग, है ना? कौन मैडम? क्या कहते हैं जीव जो होते हैं? नहीं नहीं, क्योंकि इसमें फिर टॉक्सिक पड़ जाता है ना, जैसे कि नहाना धोना अलाउ नहीं है, तो ये पानी के एकदम स्थिर है। कितना गहरा है ये पानी? यहाँ से 50 फुट गहरा है। बावड़ी लो फोटो मैडम, बहुत ज्यादा है। एक फोटो नकली चश्मे में ये लात मार सकती है, बहुत गंदी। राजाओं ने इस आमेर फोर्ट की सेफ्टी के लिए ये बनाया था सेफ्टी वॉल, बाउंड्री वॉल। हाँ जी सर, ये बाउंड्री वॉल किले के चार तरफ 12 किलोमीटर के अंदर में, बल्कि तीसरे नंबर की बाउंड्री है। पहले तो चाइना की है, दूसरे कुंभलगढ़ है, तीसरे आमेर फोर्ट है। बाउंड्री वॉल सर इस आमेर गांव को अंडर करती हुई 3 किले को अंडर करती है, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नागर फोर्ट। अच्छा, इधर में आप ये देख रहे हो एक से त्रिपुर में एक से त्रिवणी हुई है, ये चौकी होती थी बोस्ट टावर, क्योंकि राजा के टाइम पे कोई मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। नीचे वाले से देख रहे हो उसके अंदर पहले एक ड्रम, एक सैनिक रहता था, ऊपर में एक सैनिक, एक नगाड़ा रहता था। अगर पीछे से कोई दुश्मन अटैक करने के लिए आता था तो वहाँ से ड्रम नगाड़ हो जाते थे, जिससे किले में पता चलता था कौन अटैक करने के लिए आता था। पर सर यहाँ पे कभी अटैक नहीं हुआ, उसका कारण था कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों एक थे। जोधा बाई का नाम सुना आप लोगों ने? जोधा आमेर की राजकुमारी थी और अकबर बादशाह के जवाई थे, और उस टाइम पे शक्तिशाली राजे थे अकबर, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे, इसी कारण यहाँ पे कभी अटैक नहीं हुआ। गांव सर 1000 साल पुराना है। इस गांव का नाम निकाला गया, फर्स्ट नाम तो आमेर था, सेकंड नीचे का नाम था मोमिनाबाद। ये नाम निकाला था औरंगजेब के बेटे फातुल शाह ने 1707 ईस्वी के अंदर में, सोए जय सिंह से नाराज होकर अपनी बीबी के नाम पे। तीसरा सर इसको बोलते ओल्ड जयपुर, पुराना जयपुर, क्योंकि सर अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, पहले जयपुर राजधानी ये आमेर कहलाती थी। जब यहाँ पर छोटी जगह पड़ने लगी बाद बिहार और उड़ीसा से ब्राह्मण लेके आए थे, क्योंकि पूरा जयपुर सिटी नक्षत्रों के आधार पर बनाया गया। 1107 के अंदर में जय सिंह ने उस किले को कंटिन्यू करवाया, उन्हीं के नाम पे उस किले का नाम पड़ा था जयगढ़। 700 साल हाँ जी सर, और लगभग 28 राजाओं द्वारा वो किला बनाया गया था। आप लोगों ने उसको का नाम है जयबान, 50 टन, उसके लंबाई 35 फुट, वो तो के लिए वो तो फिर ट्रे के लिए उन्हें एक ही बार चलाएगी। तो वो बड़ा पास से 35 किलोमीटर दूर जाके एक गांव के अंदर में गिरा था, जहाँ पे घोड़ा गिरा था वो बड़ा खड्डा बन गया, जहाँ पे आज बरसा था पानी इकट्ठा होता है। 1720 के अंदर में वो तोप बनाई गई थी और 1724 के अंदर में वो तोप चलाई गई थी। तोप बनाने वाली कारीगर स्वयं जय सिंह लेके आए थे काबुल से।
और वो कॉपी सिर्फ वहीं पे बनाई गई थी। उस जमाने में मशीनें चली नहीं होती थी, उससे एक एक पार्ट हाथी को ले। राजाओं के घोड़े रहते थे और ऊपर में आर्मी रहती थी, ठीक है। इधर में आप एक ग्राउंड देख रहे हो, राजाओं के टाइम पे 400 साल पहले यहाँ पे होता था पहले मिट्टी का मैदान। सामने में आप फिर क्या देखो, इसको बोलते हैं नौबतखाना, क्योंकि यहाँ पे संगीत के सामने रखे रहते थे। जैसे सामने देख रहे हो आप नगड़ा रखा हो इस साइड, और यहाँ पे शैलों की होती थी परेड। एक श्रेणी में बैठते थे राजा, एक श्रेणी में रानियाँ बैठती थी और अपने सैनिकों की परेड देखा करते थे। आज भी सुबह मॉर्निंग टाइम में 8 से 10 बजे रोजाना इन्हीं डोले नगाड़े द्वारा टूरिस्टों का वेलकम स्वागत होता है, ठीक है। रोज में आज भी होगा, आज भी हो गया, हो गया सुबह। देव जी मैडम फोटोग्राफी यहाँ पे अलाउ नहीं है। आराध्य देवता गोविंद राजा जय सिंह सोए जय सिंह, इसी गढ़ इस गढ़ का नाम निकला गया सिंह पोल गेट। सिंह का टाइटल दिया था आपने मान सिंह को, क्योंकि राजा मान सिंह का पहले ये नाम था मानदास, पिता का नाम भगवान दास, दादा का नाम भारमल दास। ये तो सिंह का टाइटल आपको नहीं दिया था मान सिंह को, ये टाइटल इस दिया था राजा मान सिंह ने पाकिस्तान के 5 कबीले, सॉरी काबुल के 5 कबीले, उसके अलावा उड़ीसा बंगाल बिहार इन सब पे विजय किया था। बाद में सिंह का टाइटल आपको नहीं दिया था, उसके बाद में सभी राजपूतों के आगे जो कछुआ बनते उनके आगे सिंह लड़ना स्टार्ट हुआ था। इसी तरह ग्रुप का नाम क्या है, अरे जयपुरी रजाई बोलते मैडम, वही 100 ग्राम की होती है। और इस पेंटिंग का क्या नाम है, इसको वही जो पेंटिंग है इसको बोलते हैं सांगानेर ब्लॉक पेंटिंग। अच्छा ठीक, नीचे काम होता है वो बता तो रहे, कलर बनता है जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक कलर। ये देखिए सर, ये दीवान है हमें, यहाँ पे राजा का दरबार लगता था, इसको अभी प्रेजेंट टाइम पे आप कोर्ट बोल सकते हो। इस बात सर बैठी मैं अलाउड नहीं बैठने में, गवर्नमेंट करने में चला गया था। तो जयगढ़ फोर्ट और सिटी पैलेस रह गए थे राजा के अंडर में। तो राजाओं ने अपना सामान उठा के जैसे तलवार मुकुट उनकी तस्वीरें सिंहासन सोने चांदी के जो चेहरे होते थे वो सिटी प्लेस और जयगढ़ फोर्ट के अंदर से उतरा दिया। तो आपको सिटी प्लेस और जयगढ़ फोर्ट के अंदर में हथियार म्यूजियम देखने को मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, जैसे ये सामने है जो हथियार म्यूजियम देखना, इसका अपना नाम क्या बताया था जो सामने, सेफ्टी वॉल है तो इस वॉल पे कोई जाता ही नहीं है। पहले तो क्या अलाउ था, लेकिन अभी 2022 में 12 जुलाई को बाबी बिजली गिरी थी जिसके अंदर में 16 से 17 लोग एक साथ एक्सपायर हो गए थे। सभी से वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बंदा बैठा दिया कि वहाँ पे ऊपर कोई नहीं जा पाए। अच्छा, जैसे कोई ऐसे ही चला गया जंगल के बीच से पंगे लेता हुआ कहीं, मतलब पहुँच तो सकते हैं आप भी मान सकते हो, कोई जाना चाहे तो जा सकता है। वैसे तो हम भी खूब जाते थे मैडम, बचपन में पतंगे लूटते थे वहाँ से, वैसे को दिखे, बट अभी प्रेजेंट टाइम पे एक साल पहले वहाँ बिजली गिर गई, इसी कारण गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि दोबारा ऐसा हादसा नहीं हो जाए। पूरा कंप्लीट कराया था 1723 में, ये कंप्लीट कराने के बाद सुहेज जय सिंह ने जयपुर बसाया था, इसको बोलते हैं पिंक सिटी। राजा सुहेज जय सिंह के सर जयपुर बसाने के बहुत से कारण थे, एक तो गांव के अंदर में छोटी जगह पड़ने लग गई थी, दूसरा यहाँ पे पानी की समस्या थी, और तीसरा वो चाहते थे कि मेरे घर के सामने जंतर मंतर है, क्योंकि दुनिया के सबसे पहले राजा थे जो दियल घड़ी बनवाए थे वो थे सुहेज जय सिंह राजा। देखा आपने जंतर मंतर, हाँ दिल्ली में। हाँ वैसे तो राजा सुहेज जय सिंह ने मैडम 5 जगह जंतर मंतर बनवाया था, दिल्ली उज्जैन बनारस मथुरा जयपुर। वैसे भैया हम दिल्ली गए मगर हमने दिल्ली का भी जंतर मंतर नहीं देखा अब तक। राजा रहते थे यहाँ पे मान सिंह भगवान दास भारमल दास, यहाँ पर ये जो पूरा बना हुआ है, हाँ जी भारमल दास भगवान दास प्रतिराज जोधा भाई वो सब इसी के अंदर रहते थे। जोधा का महल तो इसका हम बोलते हैं क्योंकि जोधा का जन्म यहाँ पे हुआ था, बट इस महल का नाम है रियल कदीम महल, ये बनवाया था राजा रामदेव ने, रामदेव ने। हाँ जी जोधा की शादी, तो अभी अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता है, अभी कोई नहीं रहता। जोधा की शादी सर अकबर से इस कारण की गई थी क्योंकि अकबर उस टाइम पे शक्तिशाली राजा थे, तो राजा भारमल ने अपने इस राज्य की शक्ति बनाने के लिए और अपने राज्य को बचाने के लिए जोधा की शादी अकबर से की थी। और यहीं पे राजा मान सिंह का राजत्व लगवा था, क्योंकि राजा मान सिंह भी अकबर के सेनापति थे, नवरत्नों से एक माने जाते थे, बट आमिर के राजकुमार थे। जब उनके पिताजी भगवान दास की डेट हुई तो यहाँ पे राजगद्दी बैठे, राजत्व लगवा, बाद में 1590 में अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए ये किला बनवाया था। इसके बाद में 1723 में कंप्लीट कराने के बाद में फिर जयपुर बसाए, उसके बाद में सिटी प्लेस हवा महल जल महल नारगढ़ वो सभी बाद में बनाए गए। सामने फ्लैग देखते हो, यहाँ से आपको दिखाई देता है तिरंगा, लेकिन अगर आप पास से देखेंगे वो दिखेगा आपको पचरंगा, क्योंकि वो यहाँ की राजा की रियासत झंडा है। राजा का क्या नाम था, क्या नाम बताया आपने, अभी भी है राजा जो फॉरन में है, पदम मान सिंह, पदम मान सिंह। अच्छा तो ये मान सिंह की पीढ़ी का है ना।
नहीं, ये भुवन सिंह थे, इनका कोई बेटा नहीं था, बेटी थी तो बेटी के बेटे को गोल लिया था। अच्छा, तो बोलो। तो सामने फ्लैग देखा, तिरंगा दिखाई दिया होगा, बट वो पचरंगा था क्योंकि वो यहाँ राजा की महाराजों की रियासत सुन रहा है। काबुल के पांच का विलेज जीते थे राजा मानसिंह फर्स्ट ने, तभी से पांच कलर बनाया और तभी से पांच कलर लगा हुआ उसका। अभी भी पांच ही है वो, अभी भी पांच। गाइस अभी हमने यहाँ पे फोर्ट में लिया है, ये पनीर पेटी है, ये पनीर पेटी, आलू पेटी में तो आलू ही होगा ऑफकोर्स, पनीर पेटी में मैं दिखाना चाहती हूँ आपको क्या है। सरप्राइज, ये पनीर पेटी है। ये वाली कुल्फी बहुत टेस्टी है, केसर पिस्ता कुल्फी, मलाई कुल्फी, अमेजिंग। चलिए दोस्तों, दिल थाम के बैठी हमारी ट्रिप शुरू हो चुकी है। चलिए कुछ बताइए सलीम जी। ये देखो मैडम, टकसाल है भाई, सिक्के बनते थे राजा के टाइम पे, ये टकसाल है। टकसाल है ये राजा के टाइम पे उन्होंने बनवाई होगी। राजा की हवेली। कौन से राजा थे? राजा चूरमल। चूरमल नाम बड़ा गजब है। चलो, ये मंदिर लग रहा है मेरे को। तो गाइज, इसके बाद हम आए हैंडीक्राफ्ट की जगह पर, जहाँ पे सारी चीज़ें हैंडमेड होती हैं। एंड इन्होंने हमें दिखाया कि स्टोन्स वगैरह कैसे ये लोग निकाला करते हैं, हाथ की बनी चीज़ों से ही, मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई ज़्यादा, मैंने थोड़ी सी हल्की सी क्लिप बनाई है छोटी छोटी। लाइक यहाँ पे कैमल के चमड़े का जूता भी था, मतलब जूतियाँ जैसे लड़कियों की होती हैं और शूज़ लड़कों के। और यहाँ पे पेंट कलर्स भी थे जो पेपर पे या फिर आप कपड़े पे कर सकते हो, और वो कलर सारे ऑर्गेनिक। मेरे पीछे जो भी दिख रहा है ये सारे यहाँ पे, मतलब ये जो पूरा है एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक खरीद भी सकते हो आप स्टोन्स, जेम्स, कपड़े, जूतियाँ, मतलब ऊँट के चमड़े की जूतियाँ, ये सारी चीज़ अवेलेबल है। ये इसका गेट पीछे का, यहाँ से एंट्री है और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। और उन्होंने हमें एक हाथ से बनाए हुए कपड़े पर प्रिंट लगा के दिखाया है स्टैम्प से, और जो ये कलर्स हैं सारे ऑर्गेनिक हैं। उन्होंने दिखाया है कैसे बनाते हैं ये हैंडमेड, और इसको मैं बताती हूँ आपको कहते क्या है। इस पेंटिंग का नाम था सांगा नदी, सांगा नदी, सांगा नदी, नरी, सांगा नरी, सांगा नरी पेंटिंग। तो गाइज़, ये था हमारा डे टू का व्लॉग, हमने ये सब चीज़ें देखी, घूमा। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। एंड देन उसके बाद हम होटल आ गए और फिर हमने रेस्ट करा, एंड देन वी स्लेप्ट।